श्री सोहन पोटाई, धन्यवाद सभापति महोदय। सरकार ने संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 संशोधन विधेयक 2012 केरल और छत्तीसगढ़ का दूसरा संशोधन जो पेश किया है उसके मैं समर्थन करता हूं। साथ ही अभी अभी इस सदन में अनुसूचित जाति विधेयक भी अभी पारित हुआ है, वहां से लेकर अभी तक मैं लगातार बैठा हूं और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में बहुत सारी भिन्नताएं हैं अलग अलग राज्य में। जहां एक ओर हम जब देश की बात करते हैं अलग अलग राज्य में अलग अलग बोली भाषा, रहन सहन, खान पान सब कुछ होते हुए भी हम भारतीय हैं और गर्व के साथ कहते हैं हम हिंदुस्तान भारत के हैं, लेकिन जहां जाति की बात आती है, आरक्षण की बात आती है तो किसी राज्य में कुछ है तो किसी राज्य में कुछ है, कहीं पर वो अनुसूचित जाति में है तो कहीं जनरल है तो कहीं पर वो एसटी में है, कुछ राज्यों में उनको आरक्षण प्राप्त है कुछ राज्यों में प्राप्त नहीं। इस प्रकार के भिन्नता इसके साथ क्यों है? जहां हम पूरा देश के बात कहते हैं, विभिन्न राज्य, विभिन्न देश भाषा, विभिन्न प्रकृति सब होते हुए भी हम हिंदुस्तानी ही हैं, हम एक हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग क्यों होती है? यदि किसी राज्य में, किसी राज्य विशेष में उस जाति को आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो वो पूरे देश में जहाँ भी, जिस भी प्रदेश में उस जाति वर्ग को हो उसका लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि ये लगभग पूरे देश में, कुछ राज्य को छोड़ दें तो पूरे देश में प्रत्येक राज्य में है, कहीं पर ज़्यादा हैं तो कहीं पर कम, और इनका सभी एक प्रकार से खान पान, रहन सहन, बोली भाषा तो लगभग अलग हो सकता है लेकिन एक प्रकार से संस्कृति है उनकी, एक उनका जो भोलापन है, जो एक उनकी विचारधारा है लगभग सभी प्रांतों में समान है। आज इसी के चलते आज इस जनजाति वर्ग में इनके आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सुधार के लिए समय समय पर संविधान में संशोधन ला करके और इनके जो पिछड़ेपन को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर ने अनुसूची 340, 341 और 342 में क्रमशः पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था बना रखा है जिसके अंतर्गत वहां इनके न्याय के लिए, उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का अध्ययन कर उनको दूर करने के लिए राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव आयोग के माध्यम से आता है और आयोग राष्ट्रपति द्वारा के जी राज्यपाल के परामर्श से उसको उचित दर्जा प्रदान दिया जाता है इस लोकसभा के माध्यम से। आज 2001 की जनगणना के अनुसार 84.3 मिलियन लगभग इस देश के जनसंख्या का 8.5% अनुसूचित जनजाति वर्ग इस देश में है। लगभग ये सारे जो जनजाति वर्ग हैं, पहाड़, उबाड़ खबाड़, नदी नाले और जंगलों में
बासिंदा हैं और जहां पर आज एक अपने आप का असुरक्षित सा महसूस कर रहे हैं, जहां पहाड़ी क्षेत्र में देखें तो वहां माइंस मिनरल या फॉरेस्ट इत्यादि के कारण आज वो बेदखल हो रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को कहना चाह रहा हूं, क्योंकि अनुसूचित जनजाति वर्ग प्रमुख रूप से कृषि व्यवसाय पर आधारित और आज वो मिनरल के नाम से माइंस के नाम से आज बेदखल हो रहे हैं, उनके जमीन अधिकृत हो रहे हैं। एक तरफ तो यदि कहा जाए कि अनुसूचित क्षेत्र में लागू जो भूमि अधिग्रहण के अधिनियम 1984 और परियोजना परिवारों का पुनर्स्थापना पुनर्वास पर राष्ट्रीय नीति 2003, कोयला अधिनियम 1957 तथा राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 और पेशा अधिनियम 1996 स्पष्ट रूप से इनके लिए एक व्यवस्था है। इनके जो संपत्ति है या इनके भूमि है, इनके माध्यम से एक सुरक्षित रखने का उपाय है। उसके बावजूद एक बार नहीं बार बार इन नियमों का उल्लंघन हो रहा है, उन्हें बेदखल किया जा रहा है और नाम मात्र मुआवजा के तौर पर बतौर पर उन्हें मुआवजा राशि दे दिया जाता है। अब मुआवजा राशि ले लिए उसके बाद उनका व्यवस्थापन की उनकी पुनर्व्यवस्थापन की कहीं पर भी ऐसा कोई भी सरकार नहीं सोच पा रही, जिस कारण आज इनका जो जीवन है अनुसूचित जनजाति वर्ग का बदतर होते जा रहा है। मैं सरकार को इस सदन के माध्यम से मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह कहने का प्रयास करता हूं कि जहां मिनरल माइंस क्षेत्र हो वहां पर यदि वो ट्राइबल का जमीन है, आदिवासी का जमीन है, तो उनका एक पट्टे पर लीज देने के प्रावधान हो। पट्टे पर लीज देने से फायदा यह होगा कि यदि जब तक वहां मिनरल चलेगा, जितने दिन का पट्टा रहेगा उतने दिन तक वो कार्य करेगा, या फिर जितना दिन का जिस अवधि तक का पट्टा बना रहेगा उस अवधि तक के पहले भी यदि वहां कार्य समाप्त हो जाएगा तो उस भूस्वामी को तुरंत वह फिर से वापस हो सकता है। और इसी तरह से मुआवजा के बदौलत हम कई बार कहते हैं कि हमको उनको नौकरी दे देते हैं, नौकरी दे देते हैं, एक बार दे दिए फिर दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं हो। इसलिए मुआवजा ना दे करके उनको मुआवजा तो मिले लेकिन उसके साथ साथ उसको शेयर होल्डर बना देना चाहिए, ताकि वो ताजीवन उनके परिवार को वो किसी न किसी रूप से आर्थिक लाभ उनको प्राप्त हो सके। सभापति महोदय, आज अभी जो अनुसूचित जाति संशोधन विधेयक पे भी यही चर्चा हो रहा था कि जो सब प्लांट हैं या फिर 275 एक के अंतर्गत ट्राइबल का जो धनराशि जो राज्यों को मिलता है, लेकिन जहां पर उनको आदिवासियों या जनजाति क्षेत्र के विकास में वहां के डेवलपमेंट में जो खर्च होना चाहिए ऐसा खर्च नहीं होता, बल्कि उसको डाइवर्ट करके अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। आज यही कारण है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आवागमन के क्षेत्र में हो, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में पीछे है। और यही कारण है कि आज हम पिछड़े हुए की बात करते हैं। कई बार आता है, अभी अभी हमने कहा कि आज ये है कि चाहे वो शेड्यूल कास्ट में हो या शेड्यूल ट्राइब में हो या अन्य पिछड़े वर्ग की बात, जहां होता है कई लोग कई और जातियां हैं शामिल होने, क्योंकि आरक्षण प्राप्त होता है शामिल होने के लिए उतारू रहते हैं और हर कोई कहते हैं कि भाई हम भी उस वर्ग के हैं, हम 1948 के पहले हम उस वर्ग में माने जाते थे, आज वंचित हो रहे। एक तरफ हम आरक्षण के लिए
और नए जातियों को हम जोड़ रहे हैं, चाहे अनुसूचित जाति में हो चाहे जनजाति वर्ग में। लेकिन दूसरे तरफ हम जहां तक देखें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, 50% से आरक्षण अधिक नहीं होना चाहिए। हम जाति वर्ग जाति बढ़ा रहे हैं, चाहे पिछड़ा वर्ग में बढ़े, चाहे अनुसूचित जाति में बढ़े, चाहे जनजाति में बढ़े, हम समाज कई समाज को जोड़ करके हम बढ़ा रहे हैं संख्या, लेकिन हम 50% से ज़्यादा आरक्षण पर वो है हम लाभ नहीं ले सकते। अब मैं कहना चाहूँगा कि 50% से अधिक नहीं ले सकते लाभ, वो आरक्षण नहीं मिल सकता, तो फिर हमारी जो आर्थिक स्थिति है फिर बनेगी कैसे, सुधरेगी कैसे? एक तरफ यदि हम कहें कि दो रोटी है, अब एक रोटी है, एक रोटी को हम दो टुकड़ा कर दें, एक टुकड़ा को एक वर्ग खाए और चार टुकड़े को बाकी, एक टुकड़े को चार भाग बांट दें, चाहे वो आज अल्पसंख्यक भी कहता हमको भी आरक्षण दे, तो अल्पसंख्यक को ले ले, अनुसूचित जाति जनजाति को ले ले और पिछड़े वर्ग को ले ले, तो कितना हो गया, चार, एक टुकड़े को चार लोग खाएंगे और एक टुकड़े को एक लोग खाएगा, तो मोटा तो एक खाने वाला, एक टुकड़ा खाने वाला ही होगा। फिर ये जो चार, एक टुकड़े को चार हिस्से में हम खा रहे हैं, उनका क्या हो? आज आवश्यकता है कि आज आरक्षण का जो ये 50% जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग किया है, इसको में भी सुधार होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, ताकि हम जिस तरह से समाज को हम जोड़ रहे हैं आरक्षण के श्रेणी में, ताकि वो जिस तरह से कहते हैं कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हो, तो उसी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हमको मिलनी चाहिए, ताकि हमारा जो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके, हम मजबूत हो सके, अन्य समाज के समक्ष हम भी अपने स्तर को ठीक कर सके। आज इसी कारण है, ये बात भी, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि आज कई ऐसे जो आज वर्ग, ये जो समाज है एक प्रकार से दो वर्ग में बंट चुका है। एक वर्ग वो है जिनको सभी प्रकार की जो सुविधा मिल रहा है, जिनके पास सुविधा पहुंच रही, मूलभूत सुविधा पहुंच रही, वो उस सुविधा का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। दूसरे वर्ग, दूसरे तरफ एक वर्ग जहां पर किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रहा, ना वहां आवागमन है, ना वहां शिक्षा है, यदि इसका मतलब हमको बोलने का अधिकार नहीं, नहीं आपको बोलने का अधिकार है, बोलिए बोलिए, आप शांत रहिए, पूरा देश देख रहा है, शांत रहिए, पूरा नहीं नहीं, लेकिन पूरा देश देख रहा है इस बात को, और कांग्रेस के पक्ष से टोका टाकी हो रहा है, ये ट्राइबल बोल रहा है, ये पूरा देश देख रहा है, आपका समर्थन कर रहे हैं, आपका समर्थन, वही बीमारी को तो ठीक करना चाहिए उनको। तो आज मित्रों मैं कह रहा हूँ, तो ये सारी सुविधा, शांत रहिए, डिस्टर्ब ना करिए, शांत रहिए, आज बोलिए बोलिए, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे अभी जो अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है, चाहे हम झारखंड को लें, कुछ बिहार का हिस्सा भी लें, चाहे आपके उड़ीसा है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे छत्तीसगढ़ है, और आपका महाराष्ट्र, ये कुल मिलाकर के जो इस क्षेत्र में जहाँ पर विकास ठीक से नहीं हो पाया, शिक्षा जहाँ तक पहुँच नहीं पाया, यही कारण है कि वहाँ आज नक्सलवाद पनप रहा है, और वो भी एक हमारे विकास के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है, और ये पूरे देश के चुनौती के साथ साथ एक ट्राइबल के लिए चुनौती बन गया है। अब इसका भी समाधान कैसे हो सके, इसका प्रयास होना चाहिए, क्योंकि मैं जहाँ पर जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वो पूरा संवेदनशील क्षेत्र है, नक्सलाइट क्षेत्र है, जहाँ मैं कह रहा हूँ कि यदि कोई मरता है, कोई मारते हैं, पुलिस वाला मारता है, वो भी आदिवासी होता है, जो मरता है वो भी आदिवासी होता है, और पुलिस वाला को कोई नक्सलाइट मारता है वो भी आदिवासी होता है। यदि किसी को वहां से नक्सली का संदेह पर गिरफ्तार होता है वो भी नक्सली होता है, वो भी आदिवासी होता है। तो इस प्रकार से कहना चाहिए वो दो पाटन के बीच में है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी को या सरकार से आग्रह करूंगा कि इस दो पाटन से बीच में जो आदिवासी पीस रहे हैं उनको आप बचाइए, ताकि वहाँ का विकास हो सके, वो लोग सुरक्षित हो सके। मैं कभी कभी दुख लगता है
जब एक कोई नक्सलाइट कोई मारा जाता है पुलिस के हाथों में, तो ह्यूमन राइट्स वहाँ पर पहुँच जाता है कि भाई यहाँ पर इनको मारा गया। वहीं पर रोज का एक आदिवासी मारा जाता है, अनुसूचित जनजाति वर्ग का मारा जाता है, वहाँ पर कोई ह्यूमन राइट नहीं जाता है, ना कभी वो दुख नहीं करता कि भाई यहाँ पर आदिवासी मारे जा रहे हैं। आज इसलिए मैं सदन के माध्यम से बात को यहाँ पर रखना चाहूँ। आज कुछ हमारे छत्तीसगढ़ से सरकार ने कुछ जातियों का जो प्रस्ताव है राज्य सरकार को भेजा है, दो अभी जिसका संक्षिप्त करिए जरा। हाँ मैं जल्दी ही कंप्लीट कर रहा हूँ सर। जो प्रस्ताव कुछ छत्तीसगढ़ राज्य से आया है जिसमें एक मात्रात्मक त्रुटि है, ये 1948 में और इसके पहले मैं देख रहा था, मुझे बहुत सारे वहाँ के लोगों ने लाकर दिखाया, तो जब जब इसका मिसल जो हुआ है बंदोबस्त हुआ है उस समय सभी में अलग अलग, कहीं पे सौरा लिखा है, कहीं पे सांवरा लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है, और कई जगह अनुवाद में त्रुटि, जैसे पठारी तो पठारी है तो पीएच के था भी होता है और टा भी होता है, तो कहीं पठारी लिख दिए हैं तो कहीं पठारी लिख दिए हैं। तो इस तरह से कुछ जो जातियां हैं जिनमें राज्य सरकार ने जो भेजा है उसमें पारधी, सौरा, 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 सहरा, भुया, भुया, भुया तथा भिया, बिंझिया, रौतिया, अबुझ माड़िया, पहाड़ी, कोरबा, सवरिया, किसान प्रधान, परगनिया एवं पठारी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। अतः मैं निवेदन करूंगा कि इसे भी शीघ्रता से शामिल करके इनको लाभ प्रदान किया जाए, क्योंकि अभी जिस तरह से ये पूर्व में बहुत लोग आए थे अनुसूचित जनजाति वर्ग में, लेकिन मिसल 19 जो का जो रिकॉर्ड मंगा रहे हैं उसमें इस प्रकार से जो मात्रात्मक त्रुटि के कारण इन लोगों को किसी प्रकार के लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहले अनुसूचित जनजाति का लाभ लेते हुए नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनको बच्चों को आज शिक्षा के लिए तरसना पड़ रहा है, इसमें शीघ्रता से शामिल करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।